हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी मैं देर से आपको दे रहा हूँ वो ये है कि SSC सीजल 2020 की नोटिफिकेशन आ गई है। तो अब नोटिफिकेशन आ गई है तो उसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है उस वीडियो उसको करने के लिए मैं आपको यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी बहुत सारी कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो तमाम तरह के सवाल थे लोगों के, जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट, आपको मैं थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अन अकेडमी के बारे में। देखिए, अन अकेडमी पर आज है हमारी 30 तारीख और 31 तारीख से जो है फीस बढ़ने वाली है। अभी SSC की फीस आपकी है 5400 रुपीज़ और जो कि बढ़कर होने वाली है आपकी, अभी मतलब जैसे अभी आपकी जो फीस है वो है 6000 रुपीज़, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो मेरा AMANT तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हो AMANT तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये मिल जाएगा सिर्फ 5400 रुपीज़ में। ठीक है, और उसके अलावा अनअकैडमी ने एक और ऑफर चलाया है, बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर चलाया हुआ है, वो ये है कि आपका अगर आप SSC बैंक रेलवे तीनों का अगर आप सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हो तो आपको एक साल का 14450 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, रेफरल कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा AMANT, अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13005 रुपए में आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी के लिए आ रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए बैच आ रहा है, SSC MTS एग्जाम फाउंडेशन के लिए बैच आ रहा है, एग्जाम क्रैकर फॉर SSC सीजियल, ये सारे बैचेस आपके अनअकैडमी पर आ रहे हैं। एक 29 दिसंबर से शुरू हुआ है बैच हमारा, वाईफाई स्टडीज सफलता बैच, जिसमें आपको पूरी तैयारी मिलेगी। ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हुआ है 28 और 29 दिसंबर से, इसमें आपको पूरी तैयारी मिलेगी। इसके अलावा चैलेंजर्स बैच शुरू हुआ है SSC CHSL 2020 के लिए, 28 और 29 दिसंबर से ये शुरू हुआ है। तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इन सबको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, कल से सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेज हैं वो बढ़ने वाले हैं। 12 महीने की कॉस्ट जो अभी 6000 रुपए है ये 5400 रुपीज़ हो जाएगी। 5400 अभी आपको मिल जाएगा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद, ये फीस बढ़ के कितनी होगी मुझे भी नहीं पता है, बट ये बढ़ जाएगी। और अगर आप तीनों का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट समय है अभी। ठीक है, इसके अलावा अनेक SSC की तरफ से दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है वो है आपकी स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि रिजल्ट कब आएगा। तो पहली बात आपका ये है कि जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है वो 11 जनवरी को, और CHSL का रिजल्ट जो है 15 जनवरी को आ जाएगा 2019 का। इसके अलावा GD का पेपर का रिजल्ट 20 जनवरी को आ जाएगा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का रिजल्ट 20 जनवरी को आ जाएगा, CGL 2019 टीयर 2 का रिजल्ट 20 फरवरी को आ जाएगा, CPO पेपर 1 का रिजल्ट 26 फरवरी को आएगा, और जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट 26 फरवरी को आएगा, MTS का जो फाइनल रिजल्ट है 2019 का वो 5 मार्च को आएगा। इसके अलावा CPO का 2020 का जो रिजल्ट होगा, कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च को आएगा, और CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट आपका 31/3/2021 यानी कि 31 मार्च को आएगा। सेलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट 9 अप्रैल को आएगा, स्टेनोग्राफर का जो रिजल्ट है वो 9 अप्रैल को आएगा, साथ ही साथ आपका CPO का जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो 20 अप्रैल को आएगा, और CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट 30 जून को आएगा। तो ये तो हो गई रिजल्ट डेट की बात। अब बात कर लेते हैं SSC CGL की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यानी कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए, फॉर्म आपके 29 दिसंबर से भरना शुरू हो गए हैं, 31/1 तक फॉर्म भरा जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है और SSC की भी है कि अगर फॉर्म भरना है तो जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि आखिरी के एक हफ्ते में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, SSC की वेबसाइट स्लो चलती है और फिर आप लोग भटकते हैं, परेशान होते हैं, SSC को डेट एक्सटेंड करनी पड़ती, तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो सारी समस्याएँ ना हो इसलिए आप सभी से ये गुजारिश है कि आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म आपको क्यों भरना चाहिए जल्दी से आपको, क्योंकि अभी सर्वर थोड़ा ठीक चल रहा होगा, जबकि जो कि नहीं चल रहा है, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इमेज और फोटो और साइन अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, वो शायद एक दो दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा टीयर वन का पेपर जो है 29 मई से लेकर 7 जून तक कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपके पास 5 महीने बाकी हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन 5 महीनों में तैयारी करनी है SSC CGL के लिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या कुछ इस एग्जाम में होता है, क्या क्या आता है और क्या क्या इस पोस्ट मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये आपकी दो पोस्ट हैं, जिनका जो ये ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है, या जो अब पे बैंड हो गया है तो वो 47600 से 1,51,100 का पे बैंड होता है, यानी कि 47600 आपको बेसिक पे पहली बनती है।
जो कि आपकी ग्रॉस बन जाती है करीब 60-65 हज़ार। इसके लिए आपकी ये एज लिमिट हो गई, ये आपकी दो पोस्ट हैं, इसके लिए आपको पेपर फोर देना होता है टीयर टू में, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा आपकी ये सारी पोस्ट हैं जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट आईबी की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, एफएचक्यू में है, अदर मिनिस्ट्रीज में है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीडीटी में, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआईसी में, ये सारी पोस्टें हैं। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं आपकी, कुल मिला के 23 पोस्ट हैं, इस बार 30 के आसपास पोस्ट होती हैं वैसे। और ये आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट हैं जो कि असिस्टेंट है, इसमें सब इंस्पेक्टर है, एनआईए में डिविजनल अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, ये आपकी पोस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था 28-29-30 पोस्ट होती है, वही है आपकी यहाँ। तो इसके अलावा ये 2800 ग्रेड पे की हैं, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, ठीक है। और ये वाली हो जाती हैं आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट, इसमें आपकी मेनली ऑडिटर है, सीजीडीए में ऑडिटर है, सीएजी में है, अदर मिनिस्ट्रीज में है, और ऑफिसर्स अंडर सीएनजी में है, सीएजी में है, ठीक है। तो असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, ये आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट हो जाती हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक है। फॉर्म आपको भरने के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में टेंटेटिव वैकेंसीज एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में लिख दिया है 6506 हैं, जो कि अभी हैं। मैं आपको गारंटी से देता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, इस वीडियो को सेव कर लेना, चाहे बाद में आप देख लीजिएगा। बाय द टाइम आपका सिलेक्शन होता है, बाय द टाइम आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ये वैकेंसीज आपकी बहुत आराम से 8000 प्लस चली जाएंगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वैकेंसीज के लिए परेशान मत होइएगा, ऑन एन एवरेज हर साल 8-9 हज़ार होती हैं। बाकी जिन लोगों को प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाने हैं वो बनाते रहे, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप 2015 के बाद से वैकेंसीज उठा के देख लीजिए, हर साल 8-9 हज़ार ही आती हैं। 2013-14 के एक्सेप्शनल ईयर्स थे जब 15-16 हज़ार वैकेंसी आई थी, बाकी 8 हज़ार ही आती है। इसके अलावा आपको नेशनल एलिजिबिलिटी, नेपाल, भूटान और इंडिया के सिटीजन हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें भी हैं इसके, हाँ, एज लिमिट जो है आपकी 1-1-2021, यानी कि 1-1-2021 क्रूशियल डेट है। उसके हिसाब से अगर 18 से 27 साल के हैं, यानी कि अगर आप 1-2-1-94 के बाद, इससे पहले नहीं होने चाहिए और इसके बाद नहीं होने चाहिए अगर आप हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो जाते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपके हो जाते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी रिलेटेड टू आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए डबल ए ओ का जो पेपर होता है, यानी जो टीयर टू में पेपर फोर होता है, वो आप लोग तब दे सकते हैं अगर आपने बैचलर डिग्री है, यानी कि सभी लोग दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब मस्ट नहीं होता, अगर आपके पास आप सी ए हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके बैचलर्स डिग्री में मैथमेटिक्स या तो 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th में, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री जो है होनी चाहिए स्टैटिक्स के साथ में एज अ सब्जेक्ट। तो ये आपकी जो जेएसओ के लिए है, इसके लिए आपको पेपर 3 देना पड़ता है। इसका ग्रेड पे होता है आपका शायद 4600, ठीक है। बैचलर्स डिग्री ये होगी आपकी। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 100 है, गर्ल्स के लिए माफ़ है, बाकी कैटेगरीज के लिए फ्री है। और आपका हाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो है आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात नहीं की है क्या, या मैंने मिस कर दी है, लेट मी चेक इट। हाँ देखिए ये इन्होंने लिखा हुआ है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी और 1-1-2021 से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ गया होना चाहिए। तो कई लोगों का ये सवाल है, सर अपीयरिंग में है क्या पेपर दे सकते हैं? अगर आपका रिजल्ट 1-1-2021 से पहले आ गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं आया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब अगर आपका 1 जनवरी 2021 से पहले रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म भरने को भर सकते हैं लेकिन आप एलिजिबल नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मैंने दे दी। इसके अलावा आपके ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होती है, टीयर वन में आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है, जीए यानी कि जीके आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, 25-25-25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 घंटा मिलता है। पेपर टू में पेपर वन पेपर टू सभी को देना होता है, पेपर थ्री वो बच्चे देते हैं जो जेएसओ के लिए कम्पीट करते हैं, पेपर फोर वो बच्चे देते हैं जो डबल एओ के लिए कम्पीट करते हैं, और आपका अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप पेपर टू देते हैं। इसमें 100 मार्क्स की मैथ्स आती है, 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 200 मार्क्स की आती है, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 200 क्वेश्चन मार्क्स के आते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स आती है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं,
और इसमें जनरल स्टडीज़ यानी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आ जाते हैं। टीयर वन टीयर टू कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है जो क्वेश्चन दो नंबर का है, 0.25 की होती है जो क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है। टीयर थ्री में आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा कुछ पूछ सकते हैं, वो 100 मार्क्स का होगा, पेन एंड पेपर मोड पे आपका टीयर थ्री कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा टीयर फोर होता है जो कि CPT होता है और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग टाइपिंग करते हैं। ये आपका सिलेबस है जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आपका ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, क्वांट का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी जो कि मैंने आपको इससे रिलेटेड दे दी है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसके हर सवाल का जवाब आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सहयोगी प्रतियोगी या फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, लास्ट डेट है इसलिए क्योंकि फीस बढ़ने वाली है, तो इसलिए जल्दी से अगर आप सिर्फ SSC लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, तीनों का कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, 14,450 में 10% ऑफ भी हो जाएगा अगर आप AMANT रेफरल कोड यूज़ कर लेंगे तो, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरी क्लासेस में आइए, बहुत ही नए बैचेस जनवरी में शुरू हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।